नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती होने मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ईयर यहां पर MP में इलेक्शन है। इसके तहत दोस्तों यहां पर MP में भी जो आपका भर्तियों का मिशन मोड है वो आपका चल रहा है, जिसके तहत दोस्तों 1 लाख पदों पर यहां पर भर्ती की जाएगी। इसमें दोस्तों यहां पर जो पटवारी की भर्ती वो भी आपकी की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम जो आपकी पटवारी की भर्ती निकली थी वो आपकी 2017 में निकली थी, जिसमें दोस्तों लगभग 9,200 के आसपास यहाँ पे पदों पे भर्ती निकाली गई थी। और दोस्तों अब यहाँ पे लगभग 5 साल बाद आपकी 2022 में पटवारी की भर्ती की जाएगी, जिनमें दोस्तों जो आपकी भर्ती होनी है आपकी 2 फेज में की जाएगी। पहले फेज में दोस्तों जो आपकी भर्ती होगी इसमें लगभग दोस्तों यहाँ पे आपके 2,500 पदों पर आपकी भर्ती की जानी है, और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पटवारी भर्ती की क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा, क्या दोस्तों आपका सिलेबस रहेगा, इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल में यहाँ पर पहले से अपलोड है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल कट ऑफ बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम यानी कि 2017 में जब पटवारी की भर्ती निकली थी तो उस समय कितना कट ऑफ गया था, उससे दोस्तों यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यानी कि 2022 में जो आपकी पटवारी की भर्ती निकलेगी उसमें कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो आपकी लगभग 9,000 थी, और इस बार दोस्तों जो आपकी वैकेंसी निकलेगी मात्र दोस्तों वो आपकी 2,500 पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पे दोस्तों निकलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था उसका पूरा ऑफिशियल PDF यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको दोस्तों इसका जो PDF डाउनलोड करना है तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जो PDF है आपका ये लगभग आपका 66 पेजेस का है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी आपकी सभी जिलों में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, और सभी जिलों का दोस्तों यहाँ पे आपका अलग अलग कट ऑफ गया था। जो आपकी 9,200 जो आपकी वैकेंसी थी उसमें दोस्तों जो आपकी पूरी वैकेंसी थी सभी आपके जिलों में यहाँ पे डिवाइड की गई थी, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज और सभी जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कट ऑफ निकाला गया था। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पे आप इसका कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है UR कैटेगरी, और ये दोस्तों आपका मेल कैटेगरी का जो आपको कट ऑफ गया था 80.62 नंबर आपका गया था। 100 में से दोस्तों ये नंबर है, यानी कि 80.62 अगर आपके नंबर थे तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ था श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो सीटें थी 55 थी। वहीं दोस्तों श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में UR यानी कि जनरल से फीमेल का कट ऑफ आप देख लीजिए, ये आपका 76.7 गया था। वहीं दोस्तों SC का यहाँ पे आप कट ऑफ देखिए 75 गया था, कितना ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ गया SC का मेल का, वहीं SC का फीमेल का 72 गया। इसी तरीके से दोस्तों ST की जो आपकी टोटल जो सीट थी वो आपकी 36 थी, मेल में तो 66.8 कट ऑफ था, वहीं फीमेल में दोस्तों 65 था। अगर दोस्तों बात करेंगे OBC मेल का तो यहाँ पे आप देखिए 80.04 कट ऑफ है, वहीं फीमेल का दोस्तों 77.91 कट ऑफ है। OBC की दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी थी काफी कम थी, यानी कि 19 और 17 थी। दोस्तों जो दूसरा जिला उसको यहाँ पे आप देख लीजिए, सपोज दोस्तों यहाँ पे आप मुरैना का देख लीजिए, तो मुरैना में दोस्तों मेल का जो UR का कट ऑफ गया था वो आपका 81.49 गया था, टोटल सीट यहाँ पे 124 थी, फीमेल का दोस्तों 78 यहाँ पे गया था। इसी तरीके से दोस्तों SC का देख लीजिए, SC का 75 था और फीमेल में 72 था। ST में दोस्तों यहाँ पे सीटें कम थी तो यहाँ पे 69 और 70 गया था। फिर OBC का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, OBC की यहाँ पे जो सीटें थी 19 थी और 6 थी, और कट ऑफ 80 गया था और 77 गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ग्वालियर का कट ऑफ देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ग्वालियर में UR से अगर आपने मेल से यहाँ पे आवेदन किया था तो 82.8 कट ऑफ गया था, वहीं फीमेल का दोस्तों 17 यहाँ पे सीट थी और जो कट ऑफ गया था 79.75 गया था। यानी कि दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो जो आपका कट ऑफ है UR का वो आपको 79 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आप देखिए OBC का कट ऑफ देख लीजिए, ग्वालियर में OBC की दोस्तों यहाँ पे जो सीटें थी काफी कम थी, यानी कि 16 और 5 सीटें थी, इसलिए कट ऑफ 81.26, फीमेल का दोस्तों 78.16 यहाँ पे आपका गया था। इसके बाद दोस्तों अगर आप उज्जैन का देखेंगे तो उज्जैन का भी आप देख लीजिए, उज्जैन में दोस्तों UR की अच्छी खासी वैकेंसी थी, यहाँ पे मेल के लिए 101 वैकेंसी थी, फिर भी दोस्तों जो कट ऑफ गया था वो आपका 80.87 गया था। वहीं दोस्तों फीमेल की यहाँ पे 34 वैकेंसी थी और कट ऑफ गया था आपका 76.94। SC का दोस्तों 38 वैकेंसी थी, यहाँ पे 76.74 गया था। OBC की बात करेंगे तो 22 यहाँ पे सीट थी और कट ऑफ यहाँ पे गया था 80.21। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इंदौर का भी देख सकते हैं, UR की यहाँ पे टोटल 101 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था आपका 81.73। आप सोच सकते हैं 81.73 यहाँ पे कट ऑफ था मेल का, फीमेल का था 77.99 आपका कट ऑफ गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप SC का भी देख सकते हैं, SC का जो आपका कट ऑफ गया था 77.99 गया था और फीमेल का गया था दोस्तों 79.02, यानी कितना ज़्यादा कट ऑफ गया SC कैटेगरी में इंदौर में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं भोपाल की, तो भोपाल में देखिए UR का जो आपको कट ऑफ गया था वो आपका गया था 82.77, यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे आपका कट ऑफ गया 82.77, 84 वैकेंसी होने के बावजूद। फीमेल का देख लीजिए 78.45 गया था, SC की दोस्तों सीटें कम थी, 14 थी और 7 थी, तो 78 कट ऑफ गया, 75 गया। वहीं दोस्तों OBC की बात करेंगे तो OBC का भी दोस्तों यहाँ पे 81.74 गया मेल का, फीमेल का दोस्तों यहाँ पे आपका 79.27 यहाँ पे आपको गया। इसके बाद दोस्तों अगर आपको एक सर्विस मैन का देखना है तो यहाँ पे आपको सबका दिया हुआ है, हैंडीकैप का भी दिया हुआ है, एक सर्विस मैन का दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का जो कैटेगरी वाइज से कट ऑफ है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। CR की बात करेंगे दोस्तों, CR का भी आपका 81.26 है, फीमेल का 77 है। OBC का देखेंगे तो OBC की यहाँ पे वैकेंसी थी नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं गया, और फीमेल में दोस्तों 79.27 यहाँ पे आपका गया था।
तो दोस्तों ये आपका लगभग 66 पेज का पीडीएफ है। अगर आपको सभी जिलों का यहाँ पर कट ऑफ देखना है तो आप इसको जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर दोस्तों हम लोग ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज आपका कट ऑफ गया वो आपका 80 प्लस ही आपका रहा है। ओबीसी और यूआर की बात करेंगे तो दोस्तों उस हिसाब से अपनी यहाँ पर तैयारी करिए, क्योंकि इस साल दोस्तों जो आपकी वैकेंसी निकल रही है वो दोस्तों यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग 2500 पदों पर आपकी भर्ती निकाली जाएगी, जो कि दोस्तों बहुत कम है अगर आप कंपेयर करेंगे 2017 की वैकेंसी के हिसाब से। और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की तो दोस्तों वो आपका लगभग आपका वैसा ही रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको जो तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका कट ऑफ है वो आपका इससे कम तो रहने नहीं वाला, इससे ज़्यादा ही जाएगा या फिर इतना ही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप तैयारी करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे दोस्तों भर्ती के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।